नमस्कार, काली पूजा, दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं बोरिया मजुमदार, मेरे साथ सौरभ गांगुली। सौरभ, सारे व्यूअर्स को आज तक में आपकी तरफ से, आज तक के और इंडिया टुडे के सारे दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जो कहते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, हमारे सब के लिए आपकी दीपावली शुभ हो, आपके परिवार के लिए भी शुभ हो और सेफ हो दीपावली। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इंडियन टीम ने जो मैच, जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, जो खेल दिखा रहे हैं, ये दिवाली को लाइट अप कर रहे हैं। बिल्कुल, उनके लिए भी एक खुशी का समय है, क्योंकि जब आप अच्छे खेलते हैं, जब आप सीरीज जीतते हैं, तो जो फेस्टिविटीज़ है वो और अच्छा लगता है। तो विराट कोहली को, उनके टीम के सदस्यों को, हमारे सब की तरफ से, इंडिया टुडे की तरफ से, आज तक की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगला साल भी उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऑस्ट्रेलिया को भारत ने हरा चुके हैं, श्रीलंका वी हैव टॉर्मेंटेड देम, वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया, इंग्लैंड को हरा दिया, अभी न्यूजीलैंड। सौरभ, आपको लगता है न्यूजीलैंड कोई सीरियस कंपटीशन कर पाएगा, या हम लोग ये सीरीज भी बहुत बहुत फेवरेट्स हैं इंडिया जीतने के लिए? नहीं, भारत बहुत फेवरेट्स है ये सीरीज जीतने के लिए। शायद ऑस्ट्रेलिया से अच्छा खेलेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास स्पिनर्स है जहाँ जो थोड़ा सा गेम को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं कितना। और उनकी जो ए टीम है, उनसे 6 सदस्य है सीनियर टीम में, उनको हमारे ए टीम के लड़कों ने थोड़ा सा ड्रेस रिहर्सल दिया है। बाकी जो हमारे बिग बॉयज जिसे कहा जाता है, वो थोड़ा सा और मुश्किल करेंगे उनके लिए ये सीरीज। विराट कोहली और उनका जो टीम है, बहुत बहुत अच्छा क्रिकेट खेल चुके हैं इंडिया में, बट सौरभ, ओवरसीज साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया हम लोग नेक्स्ट 14 महीने में खेलेंगे। आपको क्या लगता है, ओवरसीज दे कैन डू दिस? बिल्कुल बिल्कुल, वो अच्छे कर सकते हैं। इस टीम में वो दम है, और जो मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी है, कैप्टन में वो पैशन है बाहर जाके जीतने का। ऐसा नहीं बोलेंगे कि यार बाहर गए, बाकी टीमों ने पहले हारा है तो हम भी हारे। वो अलग करना चाहते हैं, वो इनका एक छाप छोड़ना चाहते हैं भारतीय क्रिकेट में, जो बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा पागलपंती ज़रूरी है भारत के बाहर के लिए, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स वे पे, मैं कहूँगा थोड़ा सा कंजर्वेटिव वे पे बाहर जाके आप जीत नहीं सकते। दीपावली के अवसर पे एक प्लेयर जिनके बारे में हम लोगों को बात करना ही चाहिए, हार्दिक पांड्या। उनका बैट से या बॉल से हम लोगों ने दिवाली देखा है लास्ट 6 महीने से। सौरभ, हार्दिक पांड्या, बिल्कुल, पहले तो उनको हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। टैलेंट है उनके पास, दम है उनके पास, जो बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा समझता हूँ ऑलराउंडर को किसी एक डिपार्टमेंट पे बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, और वो बल्लेबाजी या गेंदबाजी किसी एक में से भारत के लिए खेल सकता है। तो मैं समझता हूँ भारत का, भारतीयों का, हमारे जैसे लोगों का, आपके जैसे लोगों का उनके ऊपर आँख होगा बाहर जब जाएंगे, कैसे रबाडा या स्टेन या मॉकल के सामने खड़े होते। लेकिन जिगर है जो बहुत ज़रूरी है। पहले बात कर रहे थे हार्दिक पांड्या का, और हार्दिक पांड्या ये बोलिंग यूनिट का एक की कॉग है। सौरभ, आपको लगता है ये बोलिंग यूनिट बहुत बहुत अच्छा दिख रहा है अभी? बिल्कुल, और मैं एक चीज़ कहूँगा कि जो तेज़ गेंदबाज हैं, जो उमेश यादव हैं और मोहम्मद शमी है, उनको खिलाना बहुत ज़रूरी होगा। और मुझे अच्छा लगता था अगर न्यूजीलैंड सीरीज़ में उनको, उन दोनों को 5 मैचेस दिया जाए। बट हार्दिक पांड्या बैलेंस करता है इस टीम को, साउथ अफ्रीका में चौथे तेज़ गेंदबाज के तौर, और जो हमारे कंडीशन से उस पर तीसरा गेंदबाज के तौर। तो ये विराट कोहली के लिए बोनस है, जैसा मैंने कहा कि हमारे होप्स है उनके ऊपर अच्छा, और ये सोचते हैं कि जब कंडीशन टफ होगा, जब अटैक्स अच्छे होंगे, तो वो खड़ा होकर परफॉर्मेंस देगा भारत के लिए। आपने आज तक और इंडिया टुडे में हमारे ये कवरेज देखा, हमारे ये प्रेडिक्शन सुने, आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। जाते जाते बोरिया की तरफ से, मेरा तरफ से, और इंडिया टुडे की ग्रुप की तरफ से, आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी दीपावली अच्छा हो, और आपकी दीपावली सेफ हो, अच्छे रहना।